मोबाइल पे आज भी और कल भी। हाँ दोस्तों, मोबाइल पे एक रेगुलर अर्निंग एप्लीकेशन है, जैसे कि आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे यूज करते हो, उसी तरह से इस एप्लीकेशन को भी यूज करना है। यानी आपको यहीं से मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच रिचार्ज करना है, एलआईसी के बिल पेमेंट करना है, या पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल का पेमेंट भी इसी से करना है एप्लीकेशन के द्वारा, या फिर आपको ये कंपनी एटीएम देता है। जैसे कि पेटीएम में आपको एटीएम मिल जाता है, वो 150 रुपये चार्ज लेता है हर साल के लिए, लेकिन यहाँ भी आपको मोबाइल पे का भी आपको एटीएम का चार्ज लगेगा, वो भी कितना, 5 साल के लिए मात्र 600 रुपये में। यानी आप एक बार ही 600 रुपये देकर आप इसका एटीएम कार्ड ले सकते हो, और उस एटीएम कार्ड के द्वारा आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेटीएम का एटीएम लेते हो तो उसमें आपको हर साल 150 रुपये का चार्ज लेता है, और भी अगर कोई बैंक आपको एटीएम देता है उसमें भी आपको चार्ज लगता है, लेकिन इसमें एक ही चार्ज है 600 रुपये, और उसके बाद आप इसमें रेगुलर अर्निंग इसमें कर सकते हो, इससे पैसे कमा सकते हो। यानी आप इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका आपको इनकम होता है, लेकिन पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे ये सब में कभी कभी आपको कैशबैक मिलता है, नहीं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि बेटर नेक्स्ट टाइम, आपको उसमें लिखा हुआ आता है, लेकिन इसमें आपको ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा। इसमें आपको जितना भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इनकम होता है, और इसमें आपको रिफरिंग का भी सिस्टम दिया जाता है। आप अपने नीचे कम से कम 10 आदमी जोड़िए, या फिर हाईएस्ट 20 आदमी को जोड़ सकते हो, और उसको भी बोलिए कि वो अपने नीचे में 10 आदमी ज्वाइन करेगा। इस तरह से वो भी अगर आपके नीचे में अगर जो भी जोड़ता है अगर वो काम करता है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। और इसमें ई कॉमर्स का भी सिस्टम दिया गया, यानी आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न कहीं से भी कोई प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, या फिर आपके नीचे जो टीम है वो अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है उसका भी कमीशन आपको मिल जाता है। आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अमेज़न का लिंक वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देता है, और वहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करता है उसको उससे कमीशन मिलता है। उसी तरह से यहाँ भी आपको मोबाइल पे को जो इनकम होता है उसके बदले में आप मोबाइल पे 25% अपने पास रखता है, और 75% अपने जो उसके नीचे यानी काम करता है वर्कर उसको बांट देता है। और यहाँ पे ई कॉमर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टारगेट दिया गया है कि 2027 तक इतना का वो पार कर सकता है। यानी ई कॉमर्स आप बहुत ही चलने वाला ये ई कॉमर्स अभी उद्योग है। ई कॉमर्स विश्व स्तर पर और भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें शक्तिशाली मोबाइल पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई कॉमर्स क्रांति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कि जो कि आपको इसमें हिस्सा देता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो या आपके दिए गए नीचे रिफर जो ज्वाइन है वो अगर परचेस करता है आपको कमीशन उसमें नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे मोबाइल पे के द्वारा आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। मोबाइल पे का मानना है जो पहले आएगा वो अच्छा खासा लेवल में रहेगा, अगर जो अच्छा लेवल में रहेगा तो अच्छा पैसे भी कमाएगा, और जो बाद में आएगा तो वो एक छोटा सा यूजर बन के रहेगा लेकिन उसको भी इनकम होगा, लेकिन जो बड़े ओहदे में रहेगा तो उसको बड़े पैसे भी होगा, बड़ा इनकम भी होगा। लेकिन जो सोचेगा कि हम बाद में ज्वाइन होंगे, अभी ये नया कंपनी है, इसमें अभी ज्वाइन होने से अगर हो सकता है कि हमको नुकसान हो जाए, आपको कितना नुकसान है, मात्र 600 रुपये अगर होगा भी तो, अगर मान के चलिए अगर फ़ायदा हो गया तो मात्र 600 रुपये लगाकर आपको अच्छा खासा इसमें इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपको टोटल 19 प्रकार की इनकम दिया जाता है ये कंपनी। इसमें देख सकते हैं टोटल यहाँ 19 प्रकार के यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, और ये 19 प्रकार का इनकम आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये आपके ही खर्च से निकाल कर उसके बाद आपको कंपनी वाला पैसे देता है। क्योंकि जो इनकम और कंपनी को होता है 1 रुपये, उसी में से आपको 75 रुपये आपको देता है और 25 पैसे कंपनी वाला रखता है। तो इसी यानी आप जो खर्च करते हो उसी में से इनकम आपको होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम डिटेल के साथ जानते हैं कि पहला इनकम कैसा है। अगर आप इसमें पैसे ऐड करते हो फर्स्ट टाइम, जितना भी अगर 2500 करते हो तो 2500 का आपको कैशबैक मिल जाता है, वो पॉइंट के तौर पर मिलेगा। अगर 5000 करते हो तो 5000 का पॉइंट मिल जाएगा। अगर 10000 करते हो तो भी आपको 5000 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट 5000 का यहाँ पे कैशबैक दिया गया है। और ये पॉइंट आप जब मोबाइल पे का मॉल आएगा उसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो ये पैसे वहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। यानी इसमें टोटल तो माइनस नहीं होगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आपको 200, 300, 400 यानी उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको डिपेंड करेगा कितना ये पॉइंट उसमें माइनस होगा। दूसरा अर्निंग है जाके मोबाइल पे क्लब। उपयोगकर्ता इन 4 क्लबों में से किसी एक सदस्य हो सकता है।
जैसे एक्सप्रेस कार्ड क्लब कंपनी हर महीने सफल सक्रिय उपयोगकर्ताओं पर ₹11 जोड़ देगी। योग्यता प्रथम स्तर प्रत्यक्ष रेफरल कार्ड एक्टिवेशन के साथ 10 उपयोगकर्ता। स्वयं पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों में पूरा किया गया। यह राशि सभी क्वालिफायर को समान रूप से वितरित की जाएगी। नोट, अगले महीने की प्रत्येक 15 तारीख को मासिक वितरण। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपके नीचे 10 आदमी ज्वाइन हो जाता है और इसमें 15 दिन का टारगेट रहता है, 15 दिन के अंदर में ही आपको 10 आदमी को ज्वाइन करना पड़ता है। अभी तो कभी टारगेट नहीं है, जब तक कि एटीएम कार्ड इसका आ नहीं जाए तब तक आपको ये टारगेट नहीं दिया गया है, इसलिए अभी आपके पास टाइम है। आप 15 दिनों के अंदर में 10 आदमी अगर आपके नीचे हो जाता है तो पहला आपका लेवल कंप्लीट हो जाता है। पहला लेवल कंप्लीट आप हो जाते हो तो कंपनी का इस महीने में जितना भी एटीएम कार्ड सेल होता है उनमें से ₹11 करके निकाल के और इस पहला लेवल में जितने भी आदमी पहुंचता है उनमें से बराबर करके बांट देता है। जैसे कि कंपनी का इस महीने 1,00,000 कार्ड सेल होता है तो 11,00,000 निकलता है। 11,00,000 में से जितने भी आदमी पहला लेवल कंप्लीट करेगा सबको बराबर करके बांट देगा। तो इस तरह से ये आप पहला लेवल अगर पार करते हो तो इसमें आपको एक अच्छा खासा, यानी ये हमेशा अगर आप पहला लेवल एक बार पार करोगे तो इसमें एक ही बार पार करना है और हमेशा आपको इसमें इनकम आते रहता है। तो उसी तरह से दूसरा लेवल है, दूसरा लेवल में क्या होता है कि आपको कंपनी वाले ₹12 करके निकालता है, यानी और दूसरा महीने में टारगेट है 100 आदमियों का। अगर आप 45 दिन के अंदर में 100 आदमी आपके नीचे हो जाता है, इसमें आपका इनडायरेक्ट का भी है, आप जो 10 आदमी जोड़े हैं उसने अगर 10 आदमी जोड़ा है तो वो भी इसमें काउंटिंग होगा। और आपके नीचे में आप 100 आदमी होना चाहिए वो भी 45 दिनों में, ये अगर पूरा हो जाता है तो ये दूसरा लेवल आप कंप्लीट कर जाते हो। दूसरा लेवल में आपको ₹12 करके निकालता है कंपनी वाले। उसी तरह से तीसरा लेवल भी है, तीसरा लेवल में ₹13 करके निकालता है और इसमें आपको 1,000 आदमी होना चाहिए और ये 90 दिनों में आपको 1,000 आदमी होना चाहिए। 90 दिन में अगर आपके नीचे 1,000 आदमी हो जाता है तो आप को ₹13 करके निकाल के इस लेवल में दिया जाता है, यानी इस लेवल में जितने भी आदमी क्वालिफाई होता है उसको ₹13 करके निकालता है। उसके बाद चौथा लेवल है, चौथा लेवल में आपको जाके 150 दिनों में 10,000 आदमी आपके नीचे में होना चाहिए। अगर 10,000 आदमी हो जाता है तो उसमें आपको ₹14 करके निकालता है। उसके बाद तीसरा लेवल है, जाके तीसरा इनकम है लाइफ टाइम क्लब। इसमें आपको कोई टारगेट नहीं है, इसमें आपके नीचे अगर 1,00,000 यूजर हो जाता है और वो भी कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए तो इसमें आपका क्या इनकम है यहाँ पे देख सकते हैं। हाउस फंड के लिए आपको ₹15,00,000 दी जाएगी कंपनी वाले, उसके बाद ₹9,00,000 की कीमत वाली आपको एक कार देगा, या तो पैसे देगा या फिर कार देगा। ये लाइफ में जब भी आपके नीचे में 1,00,000 आदमी होता है तो जीवन में एक बार ही आपको मिलेगा, चाहे 6 महीने में आपके नीचे 1,00,000 कार्ड यूजर हो जाए या फिर 1 साल या 10 साल में, तो ये आपको लाइफ में एक ही बार मिलेगा। ये एक बार अचीव कीजिए तो एक बार ₹15,00,000 मिलेगा और उसके बाद 9,00,000 की कार आपको दी जाएगी। तो 1,00,000 आदमी आपका कार्ड यूजर आपके नीचे में होना चाहिए तब जाके ये इसका लाभ आप ले सकते। उसके बाद है सेल्फ कमीशन। इसमें सेल्फ कमीशन में आपको 10% प्लस 10% वितरण आयोग का 20% नियमित रूप से आपको 10% और 10% यदि आपका कुल लेन देन एक तिमाही में ₹21,000 तक पहुँचता है। उसके बाद दोस्तों नोट, आपके पंजीकरण माह से अनुपातित आधार पर पहला त्रैमासिक वितरण, यदि आप योग्य नहीं हैं तो 10% कमीशन तत्काल रेफरी को जाता है जिसका लेन देन ₹21,000 है, यानी आपके ऊपर जिसका भी 21,000 है उसको ये कमीशन चला जाता है। और उसके बाद है पांचवा में यूजर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग मोड। इसमें अगर आप एक सुपर यूजर बन के अगर इसमें काम करना चाहते हैं, जैसे कि 10 कार्ड का पहले आपको यहाँ पे ₹40, उसके 20 कार्ड का ₹50, 50 कार्ड का ₹60 और 100 कार्ड अगर ऑर्डर करते हैं ₹70 आपको इसमें मिलता है। कोई भी पंजीकृत उपयोगकर्ता यह लाभ प्राप्त कर सकता है। पाक्षिक आधार पर वितरण प्रति कार्ड रिफंडेबल सिक्योरिटी 100 जमा करने के बाद उपयोगकर्ता EPP वेब के माध्यम से आवेदन करें।
दोस्तों इसमें आपको अगर आप 10 कार्ड ऑर्डर करते हो तो आपको एक कार्ड पर 40 रुपये करके आपको मिलता है, और उसके बाद 20 कार्ड में ऑर्डर करते हो तो उसमें आपको 50 रुपये मिलता है, और 50 कार्ड करते हो तो एक कार्ड में आपको 60 रुपये करके, और 100 कार्ड करते हो तो एक कार्ड में 70 रुपये आपको ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है। अगर आपके नीचे में एक अच्छी खासी टीम बन जाती है तो उसको एटीएम कार्ड भी आप ही प्रोवाइड कर पाएंगे। आप कंपनी को ऑर्डर कीजिएगा और कार्ड आपके पास आएगा, और आपके नीचे जितने भी टीम है उसको आप कार्ड दे सकते हो, उसका भी ये अलग ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके बाद छठा इनकम है CUG कार्ड एक्टिवेशन मोड। अगर यहाँ पे देख आप गौर कीजिएगा, पहला डायरेक्ट में आपको अगर 5-5 रुपये करके ऐसे मिलता है। अगर ATM कार्ड में फर्स्ट टाइम अगर कोई भी 2500 रुपये ऐड करता है तो उसमें यहाँ देखिए 5वां लेवल में 35 रुपये करके आपको इनकम होगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी ATM कार्ड में पैसे ऐड करते हो तो 2500 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए, और आपके नीचे में जो भी ज्वाइन हुआ है उसको भी आपको बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम इसमें 2500 रुपये ऐड कीजिए। अगर 2500 रुपये ऐड नहीं करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है, यहाँ पर साइड में देखिए 500 रुपये अगर कोई ऐड करता है तो उसको यहाँ पे क्या नुकसान होता है। तो पहला लेवल में तो 5 रुपये, दूसरा लेवल में 5 रुपये, और तीसरा लेवल में 5, और चौथा में भी 5, और पांचवा में भी 5 ही रुपये उसको मिलेगा। अगर आप वहीं पे 2500 रुपये फर्स्ट टाइम ऐड करते हो तो चौथा लेवल तक तो 5-5 रुपये मिलेगा, लेकिन आपको 5वां लेवल में सबसे बड़ा इनकम यहाँ होता है कि एक आदमी पर आपको 35 रुपये यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर 500 करते हैं तो आपको 5-5 ही रुपये करके मिलेगा। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इसमें पैसे ऐड करते हो तो कम से कम 2500 रुपये आपको करना है, उसके बाद 3000, 3500 जितना भी कीजिए, यानी 2500 से आपको ऊपर ही इसमें पैसे ऐड करना है ये बेनिफिट लेने के लिए 35 रुपये करके, नहीं तो आप 5 ही रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद 7वां इनकम देखने CUG मोर, इसमें आपको CUG ट्रांजेक्शन मोर, पहला डायरेक्ट में 8% आपको मिलता है, दूसरा इनडायरेक्ट में भी 8%, तीसरा में इनडायरेक्ट में भी 8%, चौथा इनडायरेक्ट में भी 8%, और पांचवा में भी यानी 8-8% करके आपको CUG ट्रांजेक्शन मोर पे आपको मिलता है। यानी आपके नीचे में वो जो टीम काम करेगा उसमें से आपको 8-8% करके आपको इनकम होता है। उसके बाद देख लेते हैं 8वां इनकम, यहाँ पे देखते हैं कंपनी टर्नओवर योग्यता पर वितरण आयोग का 11% प्रत्येक 5000 रुपये सफल लेन देन को एक अंक मिलेगा। नोट, अगले महीने की हर 7 तारीख को मासिक वितरण कुल बिंदु की संख्या 11% आयोग बिंदु से गुना। यानी अगर 5000 रुपये अगर का लेन देन होता है तो उसका एक अंक बनता है, और उस एक अंक का जितना भी मान्य होता है वो अगले महीने के 7 तारीख को वो वितरण होता है। यानी एक अंक का जितना भी कंपनी उसमें रखता है, जितने भी आदमी उस एक अंक को मिला है उनमें से 11% निकालता है, 11% में जितना भी पैसे बनता है उन सबों को ये एक अंक जिसको भी मिला है उसमें डिवाइड करके बांट देता है। उसके बाद 9वां देखिए CUG अचीवर क्लब, कंपनी टर्नओवर योग्यता पर वितरण आयोग का 11% पहले डायरेक्ट रेफरल से कुल 50000 रुपये सफल लेनदेन को एक अंक मिलेगा। अगले महीने की प्रत्येक 15 तारीख को मासिक वितरण कुल बिंदु के 11% आयोग बिंदु से गुना, इसमें भी आपको 11% करके निकाल के, यानी आपके नीचे में जितना भी टीम मिलाकर इसमें लेन देन करता है कम से कम 50000 रुपये हो जाता है तो उसको एक अंक आपको मिलने वाला है। अगर आपके नीचे में 50000 का लेन देन हो जाता है आपको एक अंक यहाँ से मिल जाता है, और ये इसका वितरण हर महीने की 15 तारीख को होता है। उसके बाद 10वां में देखिए उच्च मूल्य सो वार्षिक क्लब, कंपनी टर्नओवर योग्यता पर वितरण आयोग का 6% हर साल 6 लाख रुपये स्व सफल लेन देन अनुपातिक आधार पर गन्ना वर्ष 15 जनवरी को वार्षिक वितरण। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा सेल्फ ही में ही हम इसमें आगे हम इनकम करना चाहते हैं मोबाइल पे में, आप सोचते हैं कि नहीं हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, जोड़ने जुड़ाने का काम हमसे नहीं होगा, तो आपको भी इसमें फ़ायदा होगा। अगर आप एक साल में अगर 6 लाख का लेन देन करते हो मोबाइल पे के द्वारा
उसमें कंपनी का जो टर्नओवर होता है साल का, उसमें से 6% निकलता है। 6% निकालने के बाद जितने भी आदमी 6 लाख का ट्रांजेक्शन करता है तो उसको 15 जनवरी को वितरित कर देता है। और उसके बाद 11वां गोल्ड सदस्य क्लब है। क्वालिफिकेशन प्राप्त करें सफल सक्रिय के साथ, 1 से 5 प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से 100 उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों में, और आपकी स्वयं लेन देन राशि 10,000। बेनिफिट मोबाइल पे मॉल पर हर बार आपको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट खरीद पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी मोबाइल पे में अगर कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आपको स्ट्राइक बेनिफिट दिया जाता है, अगर आप गोल्ड सदस्य क्लब में अगर शामिल हो जाते हो तो। उसके बाद 12वां है शॉप, कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी दुकान को संदर्भित कर सकता है, यानी किसी बाज़ार में एक श्रेणी की दुकान के आधार पर उसके रेफरल कोड के माध्यम से, यानी शॉप पे रेफरल बेनिफिट। केवल मोबाइल पे उपयोगकर्ता के माध्यम से हर सफल लेन देन पर 10%। उसके बाद 13वां है शॉप पे सेल्फ मोर स्व आयोग, वितरण आयोग उपयोगकर्ता का 25% पंजीकृत दुकान से कुछ भी खरीद सकते हैं, दैनिक वितरण में होता है ये। उसके बाद 14वां है शॉप सीयूजी क्लब में आपका 10% करके आपको इसमें भी इनकम हो जाता है, जो सीयूजी आपका ट्रांजेक्शन करता है नीचे आपका टीम, उसमें भी आपको स्ट्राइक 10% आपको ही ये जाता है बेनिफिट। उसके बाद 15 में देखते हैं कार्ड प्रोत्साहित नियमित रूप से 0.91 है। यदि आप मासिक कार्ड स्व लेन देन में 15,000 रुपये या उससे अधिक प्राप्त करते हैं तो अतिरिक्त स्व प्रोत्साहन राशि 0.045% होगा। नोट, अगले महीने की हर 21 को मासिक वितरण। यदि आप योग्य नहीं है तो अतिरिक्त आत्म प्रोत्साहन तत्काल योग्य रेफरी के पास जाएगा। नहीं है, अगर आप पे इस योग्य नहीं हैं, अगर आप इस टारगेट को पार नहीं किए तो आप जो भी आपके ऊपर पार किया है ये इनकम उनको चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पार नहीं करते हो तो। उसके बाद 16वां लेवल देख लेते हैं कि 16वां लेवल में क्या है। यहाँ पे आप 16वां लेवल में देख सकते हैं कार्ड सीयूजी एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन अर्निंग। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड प्रोत्साहन नियमित रूप से 0.91%। यदि आप 90,000 रुपये या उससे अधिक के पहले प्रत्यक्ष स्तर से मासिक कार्ड लेन देन प्राप्त करते हैं तो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 0.025% होगा। अगले महीने की प्रत्येक 28 तारीख को मासिक वितरण। यदि आप योग्य नहीं हैं तो कमाई तत्काल योग्य उपयोगकर्ता के पास चला जाएगा। इसमें भी अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपके ऊपर जो भी योग्य उसको चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग ट्रांजेक्शन टू बैंक अर्निंग। अगर इसमें अगर कोई भी पैसे इसके वॉलेट में हो जाता है, आप यहाँ पे मोबाइल पे में आए पैसे कमाने के लिए, आप पैसे कमा लिए, आपके वॉलेट में पैसे हो गया, प्रति लेन देन 10 रुपये शुल्क, 10 रुपये हस्तांतरण शुल्क में से GST की कटौती के बाद CUG में 5 रुपये वितरित किए जाएंगे, यानी 1 रुपये प्रति स्तर। कार्ड स्थानांतरण, अपने कार्ड में स्थानांतरण कोई शुल्क नहीं, न्यूनतम राशि 200 रुपये, न्यूनतम पहला 15वां 30वां तारीख और महीने में 16वां तारीख 15वां तारीख को हर पखाड़ी। यानी अगर आप पैसे का ट्रांजेक्शन अपने बैंक में करते हो, अर्निंग जो भी आपने अर्निंग किया है वो पैसे अगर आप बैंक में लेते हो तो आपको 10 रुपये चार्ज कंपनी मिला लेता है। मान के चलिए 10,000 आपने इनकम हो गया आपका, और आप वो पैसे लेना अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और आपके नीचे में अगर ऐसा ही अगर 10,000 का टीम हो जाता है, अगर वो ऐसे ही 5,000-10,000 रुपये अगर इनकम कर लेता है, वो भी चाहेगा कि वो अपना ये पैसे बैंक में लेके जाएगा, वो जब भी ट्रांसफ़र करेगा तो आपको उसमें से 1 रुपये मिलेगा। तो 10,000 आदमी अगर ट्रांसफ़र करेगा हर महीने तो 10,000 आपको वो एक्स्ट्रा और अलग से आपको इनकम हो जाता है। तो इस तरह से इनकम एक अलग स्टॉक कर सकते हो। उसके बाद 18वां है चिप सुपर यूजर। इसमें 21,000 कार्ड धारक केवल 5 अप्रत्येक स्तर पर रेफरल
100 दिनों को बेहतर पंजीकरण की तारीख। इसमें बेनिफिट क्या है, आपको 21,000 रुपये प्रति माह निर्धारित नियमित कमाई। अगर आप 21,000 कार्ड धारक केवल 5 और प्रत्येक स्तर पर रेफर 100 दिनों के भीतर हो जाता है तो आपको 21,000 रुपये प्रति माह ये आपको इनकम यानी कंपनी वाला आपको देता रहेगा। और ये 100 उपयोगकर्ताओं के लिए लागू है। पहले जो 100 आदमी पहुँचेगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा। कंपनी केवल 1 वर्ष के लिए गारंटी लेता है, यानी 1 साल का कंपनी गारंटी देता है कि 1 साल तक आपको ये 21,000 रुपये मिलता रहेगा। आगे बढ़ेगा घटेगा उसका अभी चर्चा नहीं हुआ। उसके बाद 9वां, 19वां और लास्ट है प्री लॉन्चिंग ऑफर। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए केवल जो कोई भी अपने दूसरे और प्रत्येक स्तर पर 111 कार्ड एक्टिवेशन करा पूरा करता है बोंजा उद्घाटन प्रस्ताव के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। निर्धारित समय अवधि से भीतर जो 2 जुलाई 2020 को घोषित किया जाए। यानी अगर आपके नीचे में 111 कार्ड एक्टिवेशन हो जाता है तो आपको एक 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आपके नीचे में अभी तक नहीं ज्वाइन हुआ तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आप अपने नीचे कम से कम 10 आदमी को ज्वाइन कीजिए और उनको भी बोलना है कि 10 आदमी को ज्वाइन करना है। सिर्फ ज्वाइन कराना ही नहीं है, आपको उसका कार्ड एक्टिवेशन कराना है। जब तक कार्ड एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक आपका इनकम नहीं होगा। पहले कार्ड एक्टिवेशन कराइए, उसके बाद उसको उसके एटीएम कार्ड में पैसे ऐड करने बोलिए और वो पैसे आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, पेट्रोल भराना और भी हर जगह आपको ये एटीएम कार्ड यूज होगा। सिर्फ एटीएम मशीन में आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, उधर हर काम में ऑनलाइन में अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा वर्चुअल कार्ड है, फिजिकल कार्ड अभी नहीं आया है। इसलिए वर्चुअल कार्ड से अभी ऑनलाइन काम कीजिए और अभी से इनकम कीजिए, क्योंकि अभी दूसरा लेवल में 2 ही आदमी अभी तक पहुंचा है और दूसरा लेवल में लगभग 1 आदमी को लगभग 70-75 हज़ार रुपये आने वाला है और तीसरा लेवल अभी तक खाली है। तीसरा लेवल में 1.5 लाख रुपये है अभी, और अगर आप तीसरा लेवल अभी क्रॉस कर जाते हो ये महीने में तो आपको वो 1.5 लाख रुपये आपका हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप इसमें जल्दी से काम कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसमें टीम बनाइए और उसमें 600 रुपये उनसे लेकर नहीं, आपको कंपनी में ही देना पड़ता है 600 रुपये लेकर, उसका कार्ड एक्टिवेशन कराइए और जल्दी से जल्दी आप लेवल कंप्लीट कीजिए। अगर पहला लेवल ही कंप्लीट पहले कीजिए, उसके बाद दूसरा में टारगेट कीजिए, उसके बाद तीसरा में कीजिए, वो ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए दोस्तों आप लेवल में सबसे ज़्यादा इनकम लेवल में ही, लेवल आपका जितना बढ़ेगा उतना अच्छा खासा इनकम होगा। तो अभी से ही स्टार्ट कीजिए। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं पहले वो एटीएम कार्ड मिल जाए तो ही तब हम काम करेंगे, वैसा नहीं। तभी जब एटीएम कार्ड मिल जाएगा तो आपका वो दिन काउंटिंग चालू हो जाएगा। अभी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, यानी इसमें आपका दिन अभी काउंटिंग नहीं हो रहा है। तो अभी जल्दी से काम स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और दोस्तों हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए।